हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बुके बनाएंगे। आर्टिफिशियल फ्लावर से हम बुके बनाएंगे क्योंकि फ्रेश फ्लावर अभी हमारे आसपास नहीं मिलेंगे, तो क्यों ना हमारे पास में जो घर में फ्लावर्स रखे हैं उन्हीं को हम अरेंज करके कुछ बुके बनाए जो कि हम बर्थडे में, एनिवर्सरी में, वेडिंग में, कभी भी कहीं भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए सिंपल और आसान तरीके से बुके बनाना सीखें। दोस्तों, आज जो बुके बनाएंगे हम बहुत ही सिंपल, हमेशा की तरह आसान तरीके से, और देख रहे हैं ये बॉक्स ईजिली जो घर में बॉक्स मिल जाता है हमें इस तरह के, इस बॉक्स में हम बुके बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे बॉक्स में कैसे बनेगा, तो देखिए बहुत ही यूनिक और इजी स्टाइल रहेगी और बहुत ही सुंदर बनेगा ये। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप मेरा वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें। पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको बताती जाऊँगी हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में लाएंगे। जो भी चीज़ें हम आज काम में लाएंगे, यूज़ में लाएंगे, उसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप बॉक्स देख ही रहे हैं, जनरली बॉक्स ईजीली घर में मिल जाता है, वही बॉक्स हमने लिया है, स्क्वायर लिया है, शेप आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। साथ में देखिए पेपर, शाइन वाला पेपर मेरे पास था और लकीली ऐसा मैचिंग मिल गया मुझे बॉक्स का। अगर आपके पास में मैचिंग नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप पेपर ले रहे हैं उसे पूरा कवर कर सकते हैं, पूरे बॉक्स को आप एक ही कलर का बना सकते हैं, सेम पेपर में आप उसे कवर कर सकते हैं। सबसे पहले इस बॉक्स में मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं ये पूरा मुझे छुपाना है। उसके लिए मैंने क्या करना है, इसे हम चिपकाएंगे पेपर को पूरा आगे और पीछे से, इस तरह से हम कवर कर देंगे ताकि जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी दिखाई ना दे। लोगों को अच्छे से गर्म कर लेंगे। कॉर्नर से चिपकाएंगे इस तरीके से और पूरे पेपर को हम चिपका देंगे। ये देखिए किस तरह से हमारा छुप गया, लिखी हुई चीजें सारी छुप गई और बिल्कुल ऐसे ही हम इसे कवर करके ऊपर ले आएंगे। टाइटली फिनिशिंग से इसे हम चिपका देंगे। जो भी एक्स्ट्रा पेपर है साइड में से उसे हम कटिंग करके पूरा इसे एक सार बनाकर पहले तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, चिपका दिया हमने, साइड कटिंग करके एक सार कर दिया इसमें। अब क्या करना है, नेट देख रहे होंगे आप यहाँ पर। अब देखिए मैंने कोशिश की है कि मैचिंग की नेट लूँ और लकीली मुझे सब मैचिंग का सामान मिल गया। अब आप अपना कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइएगा कि आपको मैचिंग मिले, मैचिंग मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देख रहे हैं जिस तरह से मैंने ब्लू बॉक्स लिया है, ब्लू पेपर मिला है, ब्लू नेट मिल गई मुझे उस तरह से। तो अब इस नेट को हम ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर के हिस्से को डेकोरेट करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने और इसको बुके में ट्रांसफ़र कैसे करना है। अब थोड़ा थोड़ा सल में इस तरह से हम हमारी नेट को कर लेंगे इस तरह से और यहाँ हम लगा देंगे। देखिए नेट है, ध्यान रखिएगा ग्लू गरम आपके हाथों में ना लग जाए। रखिए अंदाजे से, हमने थोड़ी थोड़ी सी ऊंची नीची रफ कर देंगे, इसका यहां से भी हम कर देंगे पहले। एकदम इवन नहीं रखनी है, प्लेन रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ी सी हमने से ऊपर नीचे कर देंगे और इसे कटिंग कर देंगे ऐसे ही। ये जो बचा हुआ हिस्सा है इस पर हम लगा देंगे। कॉर्नर्स पहले लगा देंगे इस तरह से और देखिए बीच का अपने आप हिस्सा फिर इस तरह से आ जाएगा। तो
और पीछे से भी एक साथ थोड़ा मैं आगे ले गई, ध्यान नहीं दिया मैंने। अरे देखिए ये ऊपर का हमने बेस तैयार कर लिया। अब आपके पास में जो भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, फिलर्स है, वो आप लेंगे। मैं इसमें क्या क्या यूज़ करूँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए अलग अलग वैरायटी के मेरे पास में जो भी, देखिए मैं बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा मेरे पास चीज़ें हैं, मैं उन्हीं का ऐसे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने खरीद के ही लाना है। कुछ ही देखिए फिलर्स हैं मेरे पास में, कुछ ही देखिए इस तरह के बीड्स है। ये वाले बीड्स मैंने आपको बनाने भी बताए हैं, ये देखिए इस तरह के बीड्स ये मैंने आपको सिखाए भी थे। इस तरह के ये बीड्स है कुछ, तो ये देखिए ऑल ओवर जो हमारे पास सामान था मिक्स मैच करके हम इसी में काम करेंगे, इसी से डेकोरेट करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर फ्लावर लगाएंगे, पूरा फ्लावर का पीछे का हिस्सा हम कटिंग करके पहले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों तैयार कर लिए हमने हमारे फ्लावर्स। फाइनली देखिए हमने रेड फिलर्स के साथ में ये हमारा जो मोती का फिलर बनाया था इसे हम लगाएंगे इस तरह से सेंटर पर। अच्छे से ग्लू ले लेंगे, गर्म ग्लू पर हम इसे रख देंगे। साथ में हम ये फिलर लगाएंगे इस तरह से और ये देखिए इस तरह से तीन फ्लावर का हम बंच लगाएंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा अपर साइड, इसे पूरे को ग्लू से हम चिपका देते हैं। पहले सेट करके देख लें कैसे लग रहा है क्या है, उसके बाद ही लगाएं। पूरा ऊपर से फिल नहीं किया है हमने, इसकी शो पूरी बनी रहने दी है, सिर्फ इतना सा हमने ऊपर किया। पूरा सूखने के बाद, अच्छे से सूखने के बाद इसमें अब अंदर की तरफ चलेंगे हम। थोड़ा सूखने देंगे फिर हम अंदर से तैयार करेंगे। ये देखिए ऊपर का पूरा सूख गया है, अब इसे हम खोलेंगे। और ये देखिए स्पंज हमने ले रखा है यहाँ पर, अगेन यही स्पंज हमने लिया हुआ है जो बुकेज में आता है। आपके पास में नहीं है तो आप थर्माकोल की शीट को लगा सकते हैं आराम से। इसे मैंने इसके साइज का कटिंग करके रखा है एकदम। अब इसमें क्या करना है, ये जो हमने किनारे पे जो स्पंज लगाया है उसके ऊपर हम एक और स्पंज का टुकड़ा लगाएंगे तो क्या फायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा बड़ा लगाएंगे, ये जो हाइट है इससे थोड़ा सा बड़ा, बहुत ऊंचा भी नहीं थोड़ा सा बड़ा। अब जब हम ये बंद करेंगे तो ये देखिए पूरा बंद नहीं होगा ये हमारा, इस तरह से हाफ होगा। हमने इस पोजीशन पे लाना है कि ये पूरा बंद ना होके इस तरह से आधा खुला रह जाए और आधा बंद। अब देख रहे पूरा अंदर तक, ये देखिए वहाँ पर हमारा अटक गया है, ताकि अब उससे ये आधा बंद हुआ है आधा खुला है। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। अगेन सबसे पहले हम स्पंज सॉरी नेट का कपड़ा लेंगे। कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जैसे देखिए मैंने स्क्वायर नेट ये कटिंग किया हुआ है। सबसे पहले कॉर्नर्स पर हम लगा देंगे, कोई भी नुकीली चीज की हेल्प से हम इसे अंदर की तरफ लगा देंगे, चाहिए तो हल्का व्यू भी ले लेंगे। और इस तरह से रैंडमली हम कटिंग करके
किस तरह से हम चारों तरफ से पहले हमारी नेट के कपड़े को लगा के तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, पूरे में हमने हमारा नेट लगा के तैयार कर लिया। पूरे स्पंज में हमने चारों तरफ देखिए नेट लगाई। कुछ नेट हमने यहाँ सेंटर पर भी लगा रखी है, थोड़ी सी दो नेट के टुकड़े हमने सेंटर पर भी लगा दिए। अभी क्या करना है, हमने पूरा पहले नेट से कवर होके आप देखिए पहले ही इसकी शो आनी शुरू हो गई है। अब देखिए ये वाले फ्लावर लिए मैंने, इसमें देखिए ये लगा हुआ था, नीचे का स्टिक लगी हुई थी। अगर नहीं है तो मैंने आपको वीडियो में सिखाया हुआ भी है किस तरह से हम हमारे फ्लेक्सिबल वायर को लगाकर इस तरह से हम स्टैंड में फ्लावर बना सकते हैं। अब सबसे पहले कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पर फ्लावर्स को हमने खड़ा करना है आराम से इस तरह से। पास पास में खड़े करेंगे हम, चाहिए तो आप ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सबसे पहले हम इसे पूरा फिल कर देंगे। यहाँ पीछे लगाने से पहले हम चेक कर लेंगे, ये देखिए अब हमारा हो गया। थोड़ा सा जो है वो हम छोड़ देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं देगा, ये हमारा इस तरह से रहने वाला है बुके, ठीक है। तो पीछे का लगाएंगे बट पूरा कॉर्नर पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो देखिए बहुत आसान तरीका है फ्लावर लगाने का जो मैंने आपको सिखाया है अभी। इसी तरह से हम इसके साथ में अलग अलग, जैसे आप देख रहे हो अलग अलग फ्लावर्स रखे हुए हैं, कहीं कहीं पर बीच में लगाकर फिलर्स, जो भी फिलर्स मैचिंग हो गए लगाकर इसे पूरा हम अरेंज कर देंगे, पूरा फिल कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे पूरा फ्लावर लग के रेडी हो गया है। बीच बीच में हमने देखिए छोटे वाले फ्लावर्स भी लगाए हैं और पूरा, और इसे लास्ट वाली रो पे हम हल्का सा ग्लू लगाकर इसको टच कर देंगे तो बस ये हमारा ऐसे सेट हो जाएगा। ये देखिए हमारा फ्लावर बुके रेडी हो गया है इस वक्त पूरा। आप देखिए चारों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है हमारा फ्लावर बुके, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए बनाया। और बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें, जो भी आपके पास में फ्लावर्स हों, जो भी चीज़ें रखी हों, उनसे आप बना सकते हैं। और बॉक्स घर में आसानी से बॉक्स मिल जाते हैं, कुछ खरीदने जाना नहीं पड़ेगा। स्पंज की जगह आप थर्माकोल यूज़ कर सकते हैं, सिंपल और आसान। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।